सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। मैं बताऊँ, मेरे पास कितने सारे लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि भाई आप टेक्नीशियन के बारे में भी कुछ बताओ, कि अगर इंडियन रेलवे में हमको टेक्नीशियन का काम करना हो अभी के टाइम पे, तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी हमको सैलरी मिल जाती है, और कैसे हम अप्लाई करते हैं इंडियन रेलवे में, और क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या चीजें लगती हैं। देखो, अगर आप किसी भी टाइप के टेक्नीशियन हो, अगर आपको 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप एज ए काम कर सकते हो ऐसे इंडियन रेलवे में। बट उसके साथ में आपके पास 10th और 12th पास के सर्टिफिकेट, प्लस आपके पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको पास होने चाहिए। अलग अलग टाइम पर इंडियन रेलवे पे ग्रुप डी, ग्रुप सी, आरआरबी का फॉर्म्स निकलते रहते हैं, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आप सरकारीजेल.com पे भी चेक कर लोगे। वहां पे बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहां पे वैकेंसीज दिखती रहती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलती है। और टेक्नीशियन में सबसे जरूरी होता है, दो टाइप के टेक्नीशियंस होते हैं, एक सीनियर टेक्नीशियन होता है, एक टेक्नीशियन होता है। टेक्नीशियन पे अगर हम सैलरी की बात करें, तो ऑन एन एवरेज जो सैलरी मिलती है 1.5 से लेकर के 7.6 लाख पर एनम आपको मिल जाता है, जो एवरेज लगभग 3.5 के आसपास होता है, ठीक है। अब 3.5 लाख पर एनम आपके मिल जाती है टेक्नीशियन पे। सैलरी काफी अच्छी मिलती है, बट ये डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, तो जितनी अच्छी हो सके एक्सपीरियंस आप जरूर ले लेना, ठीक है। रेलवे में जो भी फैसिलिटीज मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में भी काम होता है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है। गवर्नमेंट सेक्टर के फॉर्म ने बताया वेबसाइट्स, और एज अ प्राइवेट सेक्टर में भी आप काम कर सकते हो, डायरेक्टली होती है उसमें भर्ती, ठीक है। तो बस यदि छोटी सी वीडियो, और सैलरी लोग पूछ रहे थे टेक्नीशियन के, सीनियर टेक्नीशियन को सैलरी होती है वो मैक्सिमम लगभग 8 लाख रुपीज तक जाती है पर एनम, बट जो एज अ सीनियर टेक्नीशियन होते हैं, सॉरी जो टेक्नीशियन होते हैं नॉर्मल, वो लगभग आपको 5 लाख रुपीज तक आपको मंथली मिल जाती है। ये थोड़ा सैलरी ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने कई सारी सैलरीज रिकॉर्ड देखने के बाद ये सैलरी डिसाइड किया है, तो ये आप जान लो, जो कई लोग पूछ रहे थे हमको कि टेक्नीशियन कितनी सैलरी मिलती है। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं थी, बट कोई डाउट हो तो कमेंट करना और एक्सपीरियंस ले लेना कहीं ना कहीं। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।